तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल एट मिसेस माजिद किचनल व्लॉग्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ डायरेक्ट तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से, आप सब से पहले आप सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस चीज़ ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो कैसी लगती है वो कमेंट ब्लॉग कमेंट भी करके लाजमी बताया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें सो आज की वीडियो कुछ डिफरेंट है हम मेकरोनी तो बना ही लेते हैं लेकिन कुछ न्यू तरीके से आज मैं आपको अपनी रेसिपी की शेयर करूँगी कि अगर मतलब कुछ हट के किस तरह से बनाया जाए ये देखें मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए थे मेकरोनी को मैंने बॉईल करके रख लिया था कैट को मैंने इस शेप में कटिंग किया था और जो है कैप्सिकम वगैरह वो भी मैंने इसी शेप में कटिंग किए थे साथ में मैंने ये ग्रीन चिलीज़ लिए अमूमन नहीं डालती लेकिन मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड की थी और अमूमन लोग डालते हैं पोटैटो छोटे छोटे क्यूब्स करके वो भी फ्राई करते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने इसको चिप्स की शक्ल में मैंने इसको, इसको फ़्राई किया है मतलब कि मैंने पहले फ्राइज रेडी की हैं देन मैंने जो भी होता है मैं फिर डालूँगी ऐड मैं पोटैटो को जैसे हम लेते हैं वैसे नहीं इस तरीके से मैं ऐड करूँगी सो so, हर किसी को होता है कि रमज़ान में हम कुछ न्यू ट्राई करें तो मैंने आ, ये अपनी एक रेसिपी शेयर की है सो so, अब तो रमज़ान ख़त्म होने वाला है लेकिन वीडियो काफ़ी पहले की बनी होती है लेकिन टाइम अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता सो so, चलते हैं आज की वीडियो को रेडी करते हैं किस तरह से मैंने इसको कुक किया है जैसे कि मैंने यहाँ पे थ्री टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है ये ज़्यादा फ्राई होता है अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप और भी डाल सकते यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मकर बनाई थी तो मेरी थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी इसलिए मैंने थ्री टेबल स्पून ही जस्ट ऐड किया जिसमें मैंने कैप्सिकम और शिमला मिर्च सॉरी शिमला मिर्च और गाजर को मैंने पहले फ़्राई किया देन मैंने फ़ौर ही उसके बाद चिकन को फ्राई किया चिकन जैसे ही मेरा थोड़ी सी कलर उसकी चेंज हो गया था देन मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दिए थे आपने भी जब तक आपके चिकन का कलर जब तक चिकन नहीं गल जाता आप आगे कोई इंग्रेडिएंट ना डालें सो तो यहाँ पे मेरे चिकन वगैरह भी बॉयल हो चुके थे मतलब कि चिकन वगैरह भी कुक हो चुका था देन मैंने इसमें स्पाइसिस ऐड की जिसमें ब्लैक पेपर और जो ब्लैक पेपर है वो ज़्यादा डालता है जैसे कि मैंने यहाँ पे वन एंड हाफ़ टी स्पून लिया था और जो रेड चिली पाउडर और नमक जो था वो मैंने हंस ज़रूरत लिया था रेड चिली पाउडर आप बेशक कम भी डाल सकते हैं ना भी डाले तो कोई बात नहीं अगर डालेंगे भी तो कोई बात नहीं दैन मैंने इसमें वनीगर सॉस ऐड किया था मैंने इसमें जो सॉसेस होती हैं सोया सॉस सो, सो, और चिली सॉस वग़ैरह इन सब को मैंने ऐड किया था और हम इसको कर लेंगे अच्छे से कुक और अच्छे से मतलब कि इसको कुक करें ताकि जो आपके यहाँ चिकन है वो भी थोड़ा सा नरम हो जाए कुछ लोगों का चिकन सख्त रह जाता है मेरा भी पहले सख्त रह जाता था लेकिन जैसे जैसे हम आयसे कुकिंग करते हैं सीखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है सो so, आप सब भी अच्छे से इसको कुक करें दैन मैंने इसमें ऐड की हैं फ्राइज़ जो कि मैंने आपको बताया था मैंने पहले फ़्राई करके रख ली थी सो so, मैंने इसमें फ्राइज़ को ऐड किया जब मेरी सारी वेजिटेबल्स और कैप्सिकम वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था दैन मैंने इसमें जो बॉइल की हुई मेक्रोनी थी वो मैंने ऐड की है और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आपको इसमें एक न्यू चीज़ आगे देखने को मिलेगी वो ये कि इसमें मैंने मायोनीस और चीज़ भी ऐड की थी वो देखें अब यहाँ पे हमारी मैंने एन पे ग्रीन चिलीज ऐड की हैं अभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब मैंने इसमें कोयले की मतलब कि कोयले की स्टीम वगैरह दी थी इसमें इसका अलग टेस्ट लाने के लिए तो so, ये मेरी स्मोकी चिकन चीज़ और मेकरोनी जो है वो इस तरीके से रेडी हो रही थी इसमें मैंने जब सब चीज़ें रेडी हो गई थी मैंने इसमें कोयले की स्टीम दी थी जिससे इसका फ्लेवर आए ऐड होके और काफ़ी मज़े की और टेस्टी थी जैसे ही हम इसको ऑयल के बीच डालें बीच थोड़ा सा ऑयल डाल लें डालें तो इसको फ़ौरन से इसका कवर कर दे ताकि इसकी जो भाप है वो इसके मिक्सचर के बीच ऐड हो जाए so... तो आप सबने भी बताना है कि कैसी लगी मेरी ये आज की रेसिपी और अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस, जिस ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब यहाँ पे मैंने इसका लड्डू उठाया है और काफ़ी मज़े की खुशबू आई थी सो ये कोयले को हम निकालेंगे और जो बाकी हैं फ्राइज़ वगैरह जो हमने ऐड की थी और ये स्टीम दी थी कोयले की इसका एक अलग ही फ्लेवर आया था सो इसको भी हम निकालेंगे और इसका मैंने जब ये हल मतलब के पूरी तरीके से हो को को चुकी थी मैंने इसको मिक्स किया कोयला निकाल के दैन मैंने इसको निकाला एक बाउल में और बाउल में निकालने के बाद मैंने बाद में मायोनीज ऐड की थी मायोनीज ऐड करके इसको अच्छे तरीके से कर ले मिक्स इसका मतलब कि एक फ्लेवर इसका भी अलग ही फ्लेवर था और बहुत ही बहुत ही टेस्टी बनी थी सो so देन ये हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि कोई भी जो भी है एक एक जो ज़रा है एक एक दाना जो है वो आपका अच्छे से उसके साथ मिक्स हो जाए दर मैंने इसको इन ट्रेस में छोटी सी मेरे पास बाउल वाली ट्रेस हैं तो मैंने उन सब के बीच निकाल लिया था और ये मेरी तकरीबन दो बन गई थी तो मैंने इन सब को दोनों में डाल के मैंने ऊपर से चीज़ को क्रश किया था चैटर चीज़ मैंने यूज़ की थी यहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं देन मैंने इसको अवन के बीच रखा था अवन के बीच मैंने इसको पहले से कोई टाइम ताँ, टाइमर फिक्स नहीं किया था मैंने डायरेक्ट चीज़ डाल के मैंने टाइम सेट किया था जो कि था वन मिनट का सो आफ्टर वन मिनट ये हो चुके थे और मैंने इसको निकाला तो चीज़ भी मेल्ट हो चुकी और थी और बहुत ही मज़े की खुशबू आई थी मैं मैंने इसके ऊपर आप कैचप के साथ लगा के कहें आप वैसे भी खा सकते हैं अगर कोई केचप लाइक नहीं करता सो आई लाइक केचप सो मैंने ऊपर केचप डाली और इस तरीके से ये रेडी हो गई और बताएँ आपकी किस तरह की और कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी सो ये कमेंट करके लास्ट में बताएँ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल Je pas tata, tasse, réponds pas quand t'as le temps. Il faut pas que être dans la légende.